बिहार में एक के बाद एक ऐसे काम हो रहे हैं जिसे जानने के बाद हर कोई यही कह रहा है, बिहार विकास के रास्ते पर है। सरकारी दावों को छोड़ दें तो जो काम फिलहाल राज्य में किए जा रहे हैं वो भी काफी सराहनीय हैं। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा से लेकर परिवहन के क्षेत्र में, हर तरफ नीतीश कुमार की नजर है और यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक योजनाओं की नींव रखी जा रही है और अधर में लटके कामों को संपन्न भी कराया जा रहा है। अब एक और अच्छी और खास खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक अब बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क बनने जा रहा है जिसमें खास किस्म के बांस के पौधे लगाए जाने हैं। इस खास पार्क के बारे में हम आपको और विस्तार से बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और तमाम जानकारी जाननी होगी और ये भी जानना होगा कि आखिर बिहार में ऑक्सीजन पार्क जो बनाया जा रहा है उसमें खासियत क्या होगी। दरअसल गोपालगंज जिले के थावे के जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 शहरों के वन क्षेत्रों को नगर वन योजना से विकसित किया जा रहा है। गोपालगंज के पास स्थित थावे जंगल का इसके लिए चयन किया गया है। प्रस्तावित ऑक्सीजन पार्क में तमिलनाडु के सलेम की तर्ज पर बांस की खास किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के मुताबिक थावे में बनने वाले ऑक्सीजन पार्क में भीम प्रजाति के बांस के पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे कुछ समय के बाद पेड़ बन जाएंगे। भीमा बांस के पेड़ दूसरों के मुकाबले 35% ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही ये ज्यादा समय तक उगे रहते हैं। इन्हें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी ग्रोथ भी काफी तेजी से होती है। आपको ये भी बता दें कि वन विभाग जल्द ही गोपालगंज के थावे वन परिसर में ऑक्सीजन पार्क के लिए सटीक जगह का चयन करने के बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। इससे वातावरण शुद्ध होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। प्रस्तावित ऑक्सीजन पार्क में ओपन जिम, झूले और फव्वारे भी लगाए जाएंगे। परिसर में मौजूद तालाब का रूपरेखा निखारा जाएगा। वन परिसर में थावे मंदिर मौजूद है। यहां देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन पार्क में पैदल पथ बनाया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क बनने के बाद मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर लोग यहां आ सकेंगे। छात्र पार्क में बैठकर सुकून से पढ़ाई भी कर सकेंगे। इससे लोगों की सेहत में सुधार होगा, जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन में मदद भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर बिहार में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है और जो ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है उस ऑक्सीजन पार्क में बहुत सारी खासियत होगी जिससे कि ये और भी शानदार लगने वाला है। अब ऐसे में बिहार के लोगों को काफी इसमें सहूलियत भी मिलने वाली है। ओपन जिम की भी सुविधा मिलेगी और भी बहुत सारी सुविधाएं इस पार्क में आपको मिलने वाली हैं। झूले और फव्वारे का आनंद भी यहां पर बच्चों सहित सभी लोग ले सकेंगे। इसके अलावा अन्य भी कई चीजें हैं जो इस ऑक्सीजन पार्क में लगाई जानी है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।